हैं प्रश्नावली के संबोधों का पहले सवाल का पहला खंड, जिसमें 130 और 280 का एचसीएफ निकालना है, 130 और 280 का मासा निकालना है। तो मैंने आपको विभाजन विधि को भाग करके मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे। अब किसी को यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ला करके यहाँ पे रख देंगे और सूत्र वही आपका प्रयोग किया जाएगा जो भी हमने आपको बताया, भाज्य बराबर भाजक हुए भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य यहाँ पे 280 को भाग दे दिया गया, फिर भाजक 130 से भाग दिया गया, भागफल 2 और शेषफल निकल के आ जाता है 20। फिर सेकेंड स्टेप में 130 को भाग दिया गया और वो भी 20 से भाग दिया गया और जो भागफल निकल के आता है वो 6 और इसके बाद शेषफल हम लोगों का आके निकलता है वो 10। फिर थर्ड स्टेप में 20 को भाग दिया जाता है और वो भी 10 से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे जो भागफल निकल के आता है वो जाके 2 निकल के आता है और जो शेषफल निकल के आता है वो 0। मैंने आपको बताया था इसमें जिस स्टेप पे जा करके शेषफल 0 आएगा वहीं पे हमारा आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है, मासा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 10। ऐसी कौन सी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो वो जाके निकल के आता है 10।